आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ कोई हर अपने प्राइवेट सेक्टर को बचा रहा है, कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा। यही है हमारी किसकी नफरत किसकी सियासत। महाराष्ट्र को लेकर किस बात पर भड़क गए राहुल गांधी? केंद्र और राज्य सरकार को लिया निशाने पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। यह यात्रा अब 6 राज्यों के 28 जिलों से गुजर चुकी है। यह यात्रा सोमवार को इस जगह के लिए प्रस्थान करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार को महाराष्ट्र में एक दिन का विराम लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यात्रा के 6 दिन शनिवार रात कल्याणमुरी और जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उनके नेतृत्व में हो रहे इस पैदल मार्च का संदेश की है कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत को फैसले नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा शनिवार को 66वें प्रवेश दिन में प्रवेश करेगी और अब 6 राज्यों से 28 जिलों से गुजर चुकी है। और यह यात्रा सोमवार को हिंगोली जिले के कलमनुरी से वाशिम के लिए प्रस्थान होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार रात को एक ट्वीट में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 66वां दिन हिंगोली जिले में समाप्त होने वाला है। दिन भर लोग का उत्साह देखते ही बन रहा है। दुख की बात यह है कि हमने अपने सहयोगी राजीव सातव के पिछले साल जून कोविड में कारण खो दिया, जिन्होंने लोकसभा में हिंगोली में प्रतिनिधित्व किया था, वह हमारी याद बने रहेंगे। कल विश्राम का दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वेदा कॉन्फ्रेंस और टाटा एम्बरस जैसी बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र से गुजरात स्थानीकरण होते के लेकर राज्य और केंद्र सरकारों पर निशाना साधा। यात्रा कुल 3,750 किलोमीटर की आधी दूरी तय कर चुकी है। इनसे 7 नवंबर की रात को पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश किया जाएगा और पश्चिमी राज्य के नांदेड़ और हिंगोली राज्य में होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने जनसंपर्क पहल 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करके पहले महाराष्ट्र के पांच जिलों में 338 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लगभग 150 दिनों का 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जम्मू कश्मीर में समाप्त होने से पहले 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। बेरोजगारी को लेकर भड़के राहुल गांधी, कहा भारत में 3-4 अरबपति है वो। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने कहा यह यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी और हम यह संदेश देंगे कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का संदेश यही है कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। अपने दोस्त और पूर्व कांग्रेस सांसद राजीव सातव के गृह जिले हिंगोली में रात को ठहरने से पूर्व पैदल यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए गांधी के दिवंगत नेता के साथ अपने जुड़ाव को भी याद किया। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस शनिवार को महाराष्ट्र में यात्रा का 6 दिन था। गांधी ने कहा कि यह यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी और हम यह संदेश देंगे कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। यात्रा का यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भारत में 3-4 अरबपति है, वो चाहे कर सकते हैं, उन्होंने भी व्यवसाय चाहिए, उन्हें भी व्यवसाय चाहिए, वे कर सकते हैं, चाहे हवाई अड्डा या बंदरगाह, सड़क, बुनियादी ढांचा, दूरसंचार या बैंकिंग हो। गांधी ने कहा कि लेकिन देश के युवा नौकरी चाहते हैं तो उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलती। गांधी ने उपस्थित लोगों से पूछा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को देश के अपना खून पसीना बहाने वाले देशों का पेट भरने वालों के लिए क्या किया। मीडिया कर्मियों के और देखते हुए गांधी ने कहा वे हमारे दोस्त हैं लेकिन हमारी मदद करने में असमर्थ हैं, कोई और अनियंत्रित कर रहा है, वे चाहकर भी नहीं बोल सकते। इससे पहले भी गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने 6 दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शिवला गांव से शुरू हुई थी। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा शनिवार को 66वां दिन
में प्रवेश कर गई और अब तक छह दिन के 28 जिलों से होकर गुजरी। लगभग 150 दिन की यह यात्रा से दौरान 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और जम्मू कश्मीर में यात्रा समाप्त होने से पहले 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान महाराष्ट्र के 5 जिलों में 368 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा नफरत भरी देश की यह कहानी, यह दास्तां। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।